हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों नई भर्ती निकली है, पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। 700 पदों पे भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। यदि आप जानना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल से, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने हरियाणा CET का फॉर्म भर रखा है, तो आपके लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले कमेंट में भी लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हरियाणा CET के लिए अपनी 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ की बुक भी आ चुकी है। अपनी वेबसाइट है whichbookisbest.com, जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों वापस आते हैं अपनी भर्ती के ऊपर। उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली है फॉरेस्ट गार्ड के पदों पे, वन दरोगा के पदों पे, ठीक है। 701 वैकेंसी इसके अंदर, 700 पोस्ट है इसके अंदर। पे स्केल की बात करें तो 29,200 से लेके 92,300 रुपये लेवल 5 की सैलरी आपको दी जाएगी। ग्रेड पे 2800 की ये भर्ती है दोस्तों। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश रहेगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। UP SSC.gov.in इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने की फ़ीस 25 रुपये लगेगी दोस्तों। फ़ीस आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी है। 17 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 17 अक्टूबर से 6 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 13 नवंबर तक आप फीस भर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं करी है, बाद में बताई जाएगी। एज लिमिट हम बात करें तो 21 से 40 साल एज लिमिट बताई गई है। एज की जो काउंटिंग है वो आपकी 1/7/2022 इस डेट से काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। एज में UP के जो कैंडिडेट हैं उनको छूट अलग से दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की हम बात करें आपने, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख दिए इन्होंने कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास हों, ठीक है। यदि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने ऊपर युक्त जो सब्जेक्टों के नाम लिखे हैं इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास हो ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल हैं, या आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है या पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने डिग्री कर रखी है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम फॉरेस्ट गार्ड, 700 वैकेंसी। यदि हम अलग अलग से कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के लिए 288 है, और SC के लिए 160 वैकेंसी है, ST के लिए 20 वैकेंसी है, OBC के लिए 163 वैकेंसी है, और EWS की बात करें तो 70 पदों पे आपकी ये भर्ती रहेगी EWS के लिए, ठीक है। और दोस्तों अब बात आती है कि क्या केवल उपयुक्त क्वालिफिकेशन से आपका काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे दोस्तों हरियाणा में CET होता है, CET के बेस पे आपकी अनेक प्रकार की भर्तियां होती हैं, उसी प्रकार से UP में PET होता है, ठीक है। तो PET के बेस पे ये भर्ती आपकी की जाएगी, PET के स्कोर कार्ड के बेस पे, ठीक है जी। तो इसका फॉर्म भरने के बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है जी। तो ये थी भर्ती आपकी UP में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। 17 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 6 नवंबर लास्ट डेट है। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।